वेलकम बैक टू माय चैनल सक्षम सिंह रेसिपी। तो फ्रेंड्स, चावल तो हम अक्सर करके फ्राई करते हैं, पर यकीन मानिए आप इस तरीके से एक बार फ्राई करेंगे ना तो बच्चे बार बार इसी तरीके से मांगेंगे। तो आज हम चावल फ्राई करने वाले हैं, तो इसके लिए मैंने कढ़ाई में तेल ले लिया है और इसको गर्म होने देंगे। तो फ्रेंड्स, तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें थोड़ा डालेंगे हम अजवाइन, और आप चाहें तो यहाँ पर जीरे का भी यूज कर सकते हैं। हम डालेंगे इसमें प्याज और इसको भून लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्च और इसको भी हम थोड़ा सा भून लेंगे। अब इसमें डालेंगे गाजर, गाजर को हम थोड़ा सा पका लेंगे। इसमें बहुत ही ज्यादा नहीं पकाना है, बस थोड़ा क्रंची सा ही रखना है। इसको भी थोड़ा सा हमने भून लिया है। अब हम डालेंगे इसमें शिमला मिर्च और इसको भी थोड़ा सा हम इसी तरीके से फ्राई से कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इनको हल्का सा हमने भून लिया। अब हम डालेंगे इसमें टमाटर और अब हमने इसको भी पका लेना है। तो फ्रेंड्स, टमाटर जल्दी पक जाए इसके लिए हम डाल देंगे इसमें नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। और अब हम इसको चला के थोड़ा सा पका लेंगे इस तरीके से। आप इस तरीके से चावल को फ्राई करके जरूर देखें फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बच्चे बहुत ही मन से खाते, सारी सब्जियां भी उनको मिल जाती है इसमें, वैसे नहीं खाएंगे। तो इस तरीके से आप खिला सकते हैं उनको। तो फ्रेंड्स, टमाटर भी हमारे गलने लगे हैं। अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच सोया सॉस और एक चम्मच डालेंगे टोमेटो केचप और इसे हम मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच पाव भाजी मसाला। अगर आपके पास नहीं है तो आप मैगी मसाला का भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। और अब हम इनको अच्छी तरीके से थोड़ा सा 5 मिनट तक पका लेंगे ऐसे ही खुला हुआ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं सब्जियां हमारी सारी पक गई है, बहुत ज्यादा पकी भी नहीं है और कच्ची भी नहीं है, बस हमें इसी तरीके से रखना है क्रंची सी। अब हम डाल देंगे इसमें चावल जो हमारे रखे हुए थे और इनको भी हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ पे मटर का भी यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स, पर मैं यहाँ पे मटर का यूज नहीं कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये हमारे जो है पक्के तैयार हो गए। अब हम डालेंगे इसमें धनिया। मैं धनिया बहुत थोड़ी डाल रही हूँ क्योंकि मेरी बेटी को ना धनिया पसंद नहीं है। और अब हम इसे भी मिक्स कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे चावल लग रहे हैं हमारे फ्राई किए हुए, और आप भी इसी तरीके से फ्राई कीजिए। चलिए इनको हम सर्व करेंगे। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे लग रहे हैं आप देख सकते हैं, और खाने में उससे भी ज्यादा टेस्टी लगते हैं। और तो आप देखिए एकदम बढ़िया से जो है फ्राइड राइस तैयार हैं। तो आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट्स करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।